नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो द्वारा अपने देश में एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप से उत्पन्न राजनीतिक तनाव में बढ़ोतरी के बीच ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तन्मजीत सिंह ढेसी ने मंगलवार को कहा कि कई चिंतित, क्रोधित और भयभीत सिख है जिन्होंने उनसे संपर्क किया है। तन्मनजीत सिंह ने कहा कि कनाडा से आ रही रिपोर्ट चिंताजनक है। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर ब्रिटिश लेबर सांसद ने पोस्ट किया, कनाडा से चिंताजनक खबरें आ रही है। स्लो और उससे आगे के कई सिखों ने मुझे संपर्क किया जो चिंतित, क्रोधित या भयभीत है। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने कहा कि वे काम कर रहे हैं करीबी सहयोगी के साथ। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूके सरकार के संपर्क में हैं। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने सोमवार को बड़ा आरोप लगाया कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट थे। कनाडाई संसद को सोमवार को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने दावा किया कि उनके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास यह मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडाई नागरिक की हत्या को अंजाम दिया जो सरे के नानक सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध की विश्वसनीय आरोपों की तहकीकात कर रही है। हालांकि भारत ने आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हमने उनकी संसद में कनाडाई प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज कर दिया है। इनमें कहा गया है कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित है।